ये देखिए गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया बिरयानी। क्योंकि गाइस जो इस समय सावन चल रहा है, सावन में मंडे का फास्ट लगभग रखते हैं लोग, तो उसमें क्या हो जाता है, घर की लेडीज़ों को ना बहुत काम करने का मन नहीं करता है। तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसे कुछ बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाए। तो देख सकते हैं, ये हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का और 4 काली मिर्च और 2 लौंग और 2 इलायची और 2 तेज पत्ता। तो देख सकते हैं, अब ये हमने ले लिया सौंफ और जीरा, प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर कट कर लिया था, यह सोयाबीन की बरी जिनको हमने भिगो दिया था गर्म पानी में, जिससे कि ये फूल कर कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो इससे क्या होगा, ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो ये हमने राइस ले लिया है 1.5 कटोरी, तो ये देख सकते हैं 1.5 बाउल राइस लिए हुए हैं। इनको पानी डालकर वॉश कर लेंगे, जब तक मसाले भिगोए, मसालों को भूनेंगे उतनी देर के लिए हम सिर्फ राइस को भिगो करके रख देंगे। ये गाइस बासमती राइस है, क्योंकि बिरयानी वगैरह इन्हीं राइस में ज़्यादा अच्छी लगती है, इस वजह से देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है, तो इस पानी को हम निकाल कर फेंक देंगे। और अब चलिए इसको हम फिर से भिगो के रख देते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर हम मसाले भूनेंगे। तो ये देखिए बड़ियों को हम निकाल लेंगे, ठंडी हो गई हैं तो निकाल लेंगे और इस तरह से पानी स्क्रीच कर देंगे इसका, और ये निकाल कर अलग रख लेंगे। तो इसी तरह से सारी कर लेंगे। तो देखिए हमने अपना प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है फ्लेम पर, तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल, तो हम मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए हेल्दी होता है मस्टर्ड ऑयल। रिफाइंड ऑयल या घी में बना सकते हैं आप, मगर रिफाइंड ऑयल ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए नहीं हमने किया हुआ है। और घी बच्चों को थोड़ा सा कम पसंद है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। तो ये देखिए हमने अपनी सोयाबीन की बरी हैं उनको डाल दिया है और हल्का सा फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्टी स्वाद आता है। तो देखिए अब इसमें तब तक बरियाँ हमारी भुन रही हैं, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। 1 स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार मिर्च पाउडर और 1 स्पून धनिया पाउडर। तो देख सकते हैं अब इसका हम बना लेंगे पेस्ट और इसमें ऐड करेंगे हींग 3 से 4 पिंच। देखिए अगर आपके पास अच्छी वाली है तो आप थोड़ी भी ऐड करेंगे तो काम हो जाएगा, मगर थोड़ा सा ये जो होती है पिसी वाली हींग उसमें फ्लेवर कम होता है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए पानी डालते हुए इसे हम घोल लेंगे, मिक्स कर लेंगे और बना लेंगे पेस्ट। ये देख सकते हैं कि हमने मसाले का पेस्ट बना लिया और बरियाँ भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। तो अब हमने देखिए फिर से हमने 2 स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है, 2 स्पून पहले डाला था और 2 ही स्पून अभी डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ज़ीरा और सौंफ जो रखा था वो हम डालेंगे। तो इसको हम फ्राई होने देंगे और फिर हम डाल देंगे इसमें प्याज, पहले खड़े मसाले डालेंगे जो सूखे हुए रखे थे उनको डालेंगे, फिर डाल देंगे इसमें, भुन जाएंगे गाइस, फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। तो ये देखिए हमने अपना प्याज भी डाल दिया है, तो इसको बढ़िया गोल्डन फ्राई करना है, हल्का नहीं रखना है, इसको गोल्डन फ्राई करना है। और देखिए कुछ हम गार्निशिंग के लिए प्याज निकाल लेंगे बाहर और कुछ पड़ा रहने देंगे। तो इसी तरह से हम बना लेंगे। और अब क्या करेंगे, प्याज हमारा भुन चुका है तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, ये जो मिर्च हमने कट करके रखे थे इनको अलग हटा लेंगे और हम टमाटर अपना इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको भी अच्छे से पका लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे 1 चुटकी के भर करीब, जिससे कि जो हमारे टमाटर है ना अच्छे से पक जाएं। तो अब देखिए मसाला ये ऐड करेंगे अपना, जो पेस्ट बना करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे और ये दोनों ही चीज़ें हमारी अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं अच्छे से, ये देखिए हम नमक ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे पक जाएगा अच्छे से प्याज टमाटर, देखिए पक गया है। तो इसमें हमने डाल दिया है घी 1 स्पून के करीब और ऑयल, देखिए अच्छे से घी और ऑयल मसाले से हमारा अलग हो गया है, तो इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, जैसे कि सोया जंग्स और अपने राइस, इनको भी ऐड करेंगे इसमें, देख सकते हैं इस तरह से करते हुए हम ऐड कर देंगे। पानी निकाल कर रख दी, जो पानी हमारा भिगोया था राइस को वो पानी हमने हटा दिया था और हम अपने चावलों को अच्छे से निकाल करके पूरा ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं अब इसे हम चलाते हुए 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे
पानी और भी चीज़ें, जैसे कि अब हम जो जो हमने मिर्ची कट करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे, और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ये देख सकते हैं, सॉरी गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा चमक ज़्यादा हो गई है क्योंकि विंडो से हमारे धूप की रोशनी आ रही थी। ये हम रेसिपी मॉर्निंग में बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में देना था इसलिए। तो ये देख सकते हैं, हमने दो बाउल फुल भर के डाला है और 2 स्पून पानी और ऐड कर दिया क्योंकि हमारा जो पानी था बॉयल्ड था और बॉयल्ड पानी में पूरी ऊपर तक कटोरी नहीं भर पाई थी, इस वजह से हमने 2 से 4 स्पून और पानी ऐड किया। यानी देखा जाए तो पूरा टोटल हमने 2 बाउल हमने पानी यूज़ किया, जितना हमने राइस लिया था उसका थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये देखिए, हमने डाल दिया है नमक और चाट मसाला चटपटा चटपटा स्वाद देने के लिए, और इसको हम बंद करके 1 सीटी आने तक कुक करेंगे। तो 1 विशल हमारी आ चुकी है देखिए, और अब इसे हम बिल्कुल, जब तक इसकी एयर अपने आप नहीं निकल जाती तब तक इसको ओपन नहीं करेंगे। तो देखिए निकल चुकी है एयर, तो इसको ओपन करके देख रहे हैं। देखिए वाव, कितना प्यारा और कितना यम्मी हमारा सोया बिरयानी बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक एक दाना खिला खिला, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, भर करके 2 बाउल पानी ऐड करना है। देखिए वो होता है ना कि अगर गर्म पानी है तो आप भर कर नहीं पकड़ सकते, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा कम रह गया था बाउल, तो उसी लिए लास्ट में हमने ऐड किया था। देखिए कितना यम्मी, कितना टेस्टी पुलाव हमारा बिरयानी बन करके तैयार हुआ है, सोया बिरयानी। तो ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगता है, और बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और जैसे आप अगर फास्ट वगैरह हैं, व्रत वगैरह हैं, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग खाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ ही करेंगे। इस तरह से देखिए, हमने जो भून कर रखा था प्याज उसको ऊपर से डाल देंगे, गार्निशिंग कर देंगे। और आपके पास धनिया पत्ता हो तो वो भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास धनिया पत्ता नहीं है। तो ये देखिए, ऊपर हमने थोड़ा सा घी रख दिया है। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।